पायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। So hello everyone, this is CS Anita Saraf, your friend, mentor and coach for Audit and Law. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं amendments for November 18 exam, CA final audit के अंदर कितने amendments हैं November 18 exams के अंदर। तो November 18 exams के लिए बहुत ज़्यादा amendments नहीं है, let me clarify, बहुत ज़्यादा amendments नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स RTP के voluminous साइज से डर रहे हैं कि सर RTP का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा voluminous है, जो amendments है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर amendments previous attempts के हैं जो उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और इस बार के amendments बहुत ही लिमिटेड हैं। हम लोग आज की क्लास में जो नवंबर 18 के amendments हैं वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। और मे 18 के amendments हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि हाँ भाई ये जो अमेंडमेंट है मे 18 में आया था। प्लस व्हाट आई हैव डन इज आपको मैं एक अमेंडमेंट शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, 16 पेजेस की अमेंडमेंट शीट है, इट्स ओनली 16 पेजेस अमेंडमेंट शीट। और वो जो 16 पेजेस का अमेंडमेंट शीट है, 16 पेजेस का ये जो अमेंडमेंट शीट है, इट कवर्स ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ नवंबर 18 एज वेल एज मे 18। नवंबर 18 और मई 18 की सारी अमेंडमेंट्स कवर्ड है सिर्फ वो 16 पेजेस के शीट के अंदर। क्लियर है, सारी अमेंडमेंट्स कवर्ड है वो 16 पेजेस के शीट्स के अंदर। तो अगर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल जो अमेंडमेंट्स है वो कौन से एरियाज में हैं, कहाँ हैं ऑडिट के पर्पस के लिए, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर जो मेजर डाउट है स्टूडेंट्स का कि सर जो एसिड 299 है एंड जो एसिड 720 है, क्या ये रिवाइज्ड है, क्या ये नवंबर 18 के लिए एप्लीकेबल है। सर अभी तक आपने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे पास एसिड 299 के लिए, एसिड 720 के लिए, कि ये रिवाइज्ड हो चुका है। बट लेट मी क्लैरिफाई यू, कहीं ना कहीं मुझे डाउट था कि ICAI इन स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल नहीं करेगा नवंबर एग्जाम्स के लिए, इसलिए मैंने इनका वीडियो भी नहीं बनाया था जो रिवाइज वीडियो है। एंड जो मेरा डाउट था वो सही है, दिस स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 18। ये नवंबर 18 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके मे 19 एग्जाम से एप्लीकेबल रहेंगे, बट अभी फिलहाल नवंबर 18 एग्जाम्स के लिए ये रिवाइज स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद सर क्या प्रोफेशनल एथिक्स में कोड ऑफ एथिक्स के अंदर अमेंडमेंट है? अगेन अगर मैं नवंबर 18 के हिसाब से बात करूं तो नवंबर 18 में ऐसा सच कोई अलग से अमेंडमेंट नहीं है, बट हाँ मे 18 में कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स थे जो कि कोड ऑफ एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर 18 अटेम्प्ट के लिए भी। जैसे मे 18 के अंदर दो मेजर चेंजेस आए थे कोड ऑफ एथिक्स में, दो मेजर आई विल से एडिशंस आए थे, एक तो KYC नॉर्म्स रिवाइज हुआ था, और KYC नॉर्म्स से क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने पूछ लिया मे 18 को। एंड उसके बाद 20 न्यू ESB जजमेंट्स। इसकी एक 10 मिनट की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल भी है यूट्यूब के अंदर जो मैंने अपलोड की थी लास्ट टाइम। तो 20 न्यू ESB जजमेंट्स, ये एक चेंज आया था कोड ऑफ एथिक्स में, नवंबर 18 को नहीं आया है, मे 18 के लिए आया था। दिस इज समथिंग अगेन दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नवंबर 18 एग्जाम्स एज वेल। उसके बाद थर्ड अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, तो टाइप्स ऑफ ऑडिट्स के अंदर जो चेंजेस है, चेंजेस वैसे काफी टॉपिक्स में, बट वो नवंबर 18 के चेंजेस नहीं है, वो सारे चेंजेस में 18 को आ चुके थे, अब इंस्टीट्यूट ने दोबारा से रेप्लिकेट किया है। जैसे कि NBFC के चैप्टर पे, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का चैप्टर है, फिर टैक्स ऑडिट का चैप्टर है। तो ये जो चेंजेस हैं
टाइप्स ऑफ ऑडिट्स के अंदर एनबीएफसी, पीएसयू, टैक्स ऑडिट, तो ये जो चेंजेस है ऑलरेडी दिस चेंजेस आर एप्लीकेबल फ्रॉम मे 18 ऑनवर्ड्स. मे 18 से ही ये एप्लीकेबल हैं. इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दोबारा से सिर्फ नवंबर 18 आरटीपी में रेप्लीकेट किया है, कॉपी पेस्ट किया है. दोबारा से ये चेंजेस एज सच हमें डिस्कस नहीं करनी, मतलब एज सच आपके लिए रेलिवेंट नहीं है. तो बचा क्या सर, मेजर चेंज है क्या? मेजर चेंज अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के पोर्शन में है. एंड कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के पोर्शन में भी ये तो बोलना गलत होगा कि मेजर चेंज है. मेजर चेंज तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में भी ऐसा मेजर चेंज तो बिल्कुल नहीं है. बट जो भी थोड़ा मोरा चेंज है वो कंपनी अकाउंट्स ऑडिट के पोर्शन में है. जो भी थोड़ा मोरा चेंज है वो कंपनी अकाउंट्स ऑडिट के पोर्शन में है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट ऑडिट एग्जाम्स. तो स्टैंडर्ड्स में कोई चेंज नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स में कोई चेंज नहीं है. बट हाँ, जो 20 न्यू ईयर्स भी जजमेंट्स मे 18 के लिए आए थे वो आप स्टडी करें अच्छे से. टाइप्स ऑफ ऑडिट्स में जैसे एनबीएफसी है, पीएसयू है, टैक्स ऑडिट है, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें एक मेजर जिसमें कुछ चेंजेस आए थे, अच्छे चेंजेस आए थे. पीएसयू में कुछ नए टॉपिक्स इंसर्ट हुए थे, एनबीएफसी में कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, टैक्स ऑडिट्स में कुछ इंसर्शंस हुए थे, कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, राइट. तो ये जो चेंजेस है, टैक्स ऑडिट में एक आता नया चेंज नवंबर के लिए भी है. तो टाइप्स ऑफ ऑडिट्स में भी एज सच कुछ मेजर नहीं है. तो मेजरली जो है वो दैट इज इन कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट एरिया. तो देखते हैं पहले कि कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में क्या क्या चेंजेस हैं. बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, राइट, बहुत लिमिटेड है. तो पहले देखते हैं व्हाट आर द चेंजेस इन कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, एंड उसके बाद देखेंगे और कितने चेंजेस हैं और हमारे लिए क्या रेलिवेंट है. सो नाउ यू सी अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 18 एग्जाम्स. अच्छा, ये जो अमेंडमेंट फाइल है, ये अमेंडमेंट फाइल आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये अमेंडमेंट फाइल आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से मिल जाएगा. अब जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको सिर्फ ये अमेंडमेंट फाइल ही नहीं मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा. लॉट ऑफ PDF, लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ स्टडी रिसोर्सेज, माई रिविजनरी वॉइस क्लिप्स विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू रिवाइज द कंटेंट मैनी मैनी टाइम्स. तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, मेरे स्टडी टिप्स. तो टेलीग्राम ग्रुप का जो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आप टेलीग्राम का लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें एंड वहां से आपको ये अमेंडमेंट नोट भी मिल जाएंगे. यू विल बी गेटिंग द अमेंडमेंट नोट्स एज वेल. एंड जिसको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना हो तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. यू कैन व्हाट्सअप मी फॉर द ज्वाइनिंग टू द व्हाट्सअप ग्रुप. क्लियर है? अब देखना जो नंबर है, अगेन किस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए, तो वो चीज़ भी यहाँ स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब अमेंडमेंट्स पे आते हैं हम. तो देखना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट्स हमारे कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में क्या क्या हैं. देखो, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट की अगर हम बात करें तो सेक्शन बाय सेक्शन अप्रोच लेके चलते हैं. टोटल सेक्शंस कितने हैं अपने पास? टोटल सेक्शंस कितने हैं? 128 से लेकर 138 तक हमारा कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9. एंड 139 से लेकर 148 तक हमारे पास कंपनी ऑडिट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10. टोटल हमारे पास इतना कंटेंट है कंपनी अकाउंट्स एंड कंपनी ऑडिट में. अब यहां अमेंडमेंट्स कौन कौन से एरियाज में है? 128 से लेकर 138 तक एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है. एक अमेंडमेंट 139 में है, वो भी नवंबर 18 के लिए नहीं है, मे 18 के लिए था. अभी हम वापस से डिस्कस करेंगे. 130 में अमेंडमेंट है. कंपनी ऑडिट के चैप्टर से अगर हम बात करें तो सेक्शन 140 में अमेंडमेंट है, 141 में अमेंडमेंट है, 143 में अमेंडमेंट है, 147 में अमेंडमेंट है. ये चेंजेस हैं, कुल मिलाकर इतने चेंजेस हैं, कुल मिलाकर इतने सेक्शंस में चेंजेस हैं. तो लेट अस सी वन बाय वन. सेक्शन 139, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 139 के अंदर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये चेंज एक्चुअली नवंबर 18 के लिए अलग से नहीं आया, ये चेंज मई 18 से ही एप्लीकेबल था. बट नवंबर 18 के एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. अब देखना, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको याद रहेगा कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कंपनीज में लगता था, कौन सी कंपनीज में लगता है? लिस्टेड कंपनीज पे लगता है, उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे लगता है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे लगता है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, या फिर प्राइवेट कंपनीज पे लगता है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल, अब यहाँ पे पहले लिमिट हुआ करती थी कि जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ एंड अबव है, अब उसे लिमिट को इन्होंने इंक्रीज करके 50 करोड़ कर दिया है, 50 करोड़ कर दिया है, या फिर
कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी टोटल बोरोइंग्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है उनके ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल है। तो रोटेशन की कुल मिलाकर अब जो रिवाइज लिमिट है वो क्या है कि इट इज एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी, इट इज एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ और प्राइवेट कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ और एनी कंपनी हैविंग टोटल बोरोइंग्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़। तो यहां पे जो रोटेशन की लिमिट है प्राइवेट कंपनीज के केस में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में जो पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट है उसको 20 करोड़ से इंक्रीज करके 50 करोड़ कर दिया गया है। सो अगेन दिस प्रोविजंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सेक्शन 139 में एक और अमेंडमेंट है जिसके ऊपर खासा डाउट है कि वेदर दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर और नो, दैट इज रेटिफिकेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेटिफिकेशन। पुराने कंपनीज एक्ट में एक रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि भाई हर साल क्या करना है, ऑडिटर को अपना अपॉइंटमेंट रेटिफाई कराना है, मतलब एजीएम के अंदर कंफर्म करवाना है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में उन्होंने वो रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हटा दिया। क्यों हटा दिया, लॉजिक क्या है, बिकॉज जब आप सेक्शन 140 पढ़ते हो ना, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, तो वहां ऑडिटर्स को रिमूव करने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस प्रिस्क्राइब किया गया है कि पहले आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास करोगे, फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लोगे, फिर आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे। लेकिन रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में यह है कि आपको क्या करना है, हर साल मेंबर्स के थ्रू ऑडिटर के अपॉइंटमेंट रेटिफाई कराना है, कंफर्म कराना है, और अगर मेंबर्स ने रेटिफाई नहीं किया तो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी। तो अब क्या था, कोई भी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल नहीं लेती थी, वो रैदर लॉ के अंदर इस जो लूप होल है इसको यूज करने की कोशिश करती थी कि अच्छा मेंबर्स ने रेटिफाई नहीं किया तो वैसे भी कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगा। इसी लूप होल को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हटा दिया। बट ये कॉन्सेप्ट, ये जो अमेंडमेंट है, ये नवंबर 18 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम मे 19 ऑनवर्ड्स। अब यहां पे एक ब्लंडर और हुआ, क्या ब्लंडर हुआ, इंस्टीट्यूट ने पहले एक दूसरी आरटीपी निकाली और उस आरटीपी के अंदर रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने वापस से नई आरटीपी निकाली जिसमें से रेटिफिकेशन का पॉइंट हटा दिया। तो जिन स्टूडेंट्स के पास वो पुराना आरटीपी रहेगा आपको वो रेटिफिकेशन का पॉइंट दिखाई देगा। आप दोबारा से इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जाना और नया आरटीपी डाउनलोड करना, आपको रेटिफिकेशन का पॉइंट नहीं मिलेगा। दूसरा अमेंडमेंट है सेक्शन 130। सेक्शन 130 किसके बारे में है, रीओपनिंग ऑफ बुक्स के बारे में है। अब सेक्शन 130 के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था, सेक्शन 130 के अंदर का कॉन्सेप्ट इज द रीओपनिंग ऑफ बुक्स। कि मान लीजिए जो बुक्स हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, पहले फ्रॉडुलेंट मैनर में तैयार किया गया था, फ्रॉडुलेंट मैनर पे तैयार किया गया था। सो इन दैट सिचुएशन जब बुक्स को फ्रॉडुलेंट मैनर पे तैयार किया गया था तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकती थी, बुक्स को रीओपन कर सकती थी ऑन द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय ए सर्टेन अथॉरिटी, जैसे कि सेबी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो गया। ट्रिब्यूनल क्या कर सकती थी, बुक्स को रीओपन करने का ऑर्डर दे सकती थी कि भाई बुक्स पुराने जमाने में फ्रॉडुलेंट तरीके से बनाए गए हैं एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बुक्स आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से बनाया है, हो सकता है कि आपने डायरेक्टर्स को एक्सेस रेमुनरेशन पे कर दिया हो, हो सकता है आपने टैक्स इवेजन कर लिए हो, एंड दैट इज वाई रीओपनिंग का ऑर्डर पास किया जा सकता था। अब क्या था, यहाँ पे रीओपनिंग का ऑर्डर जब पास किया जा सकता था, लेकिन अब प्रैक्टिकल एक डिस्प्यूट था, पॉइंट था, प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था, सेक्शन 128 कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन ही 8 इयर्स तक करना है, तो यानी कि अगर 8 साल खत्म हो चुके और बुक्स मेंटेन ही नहीं है, बुक्स आज की तारीख में मेंटेन ही नहीं किया एसएससी ने, ऑलरेडी 8 साल खत्म हो चुका है, तो रीओपनिंग पॉसिबल ही नहीं था लॉजिकली। अब वो पॉइंट इन्होंने यहाँ इंसर्ट कर दिया कि अगर 8 साल पार हो चुका, 8 साल पार हो चुका, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो रीओपनिंग वहां पे पॉसिबल नहीं है। मगर अगर उस सिचुएशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोज ऑर्डर दिया था कि आपको बुक्स 8 इयर्स से ज्यादा मेंटेन करके चलना है, तब रीओपनिंग पॉसिबल है। दूसरी चीज, आप लॉजिकली एक चीज बताओ कि जब ट्रिब्यूनल रीओपनिंग का ऑर्डर देगा और कहेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉडुलेंट तरीके से बनाया गया था, कहीं ना कहीं वहां पे ऑडिटर्स लायबिलिटी भी अराइज होगी कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लायबिलिटी भी अराइज होगी कि नहीं, कि भाई अगर पुराने जमाने में फ्रॉड हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉडुलेंटली तैयार किया गया था, तो तुम क्या कर रहे थे, तुम सो रहे थे क्या, हो सकता है हमारे अगेंस्ट नेग्लिजेंस का चार्ज आ जाए कोड ऑफ एथिक्स के अंदर क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। सो क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, हम ऑडिटर्स को अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड नहीं मिलना चाहिए, आप बताओ कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ऑडिटर्स को अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड नहीं देना चाहिए। तो सेक्शन 130 के अंदर कहा गया कि ट्रिब्यूनल अपॉन रिसीविंग द एप्लीकेशन
for reopening of account was required to give the notice to the central government, income tax authorities, SEBI, or any other statutory regulatory body or authorities concerned. Now, after authorities concerned, the words any other person concerned shall be inserted. Ab any other person inserted mein kaun aayega? Any other person concerned mein aayega chartered accountants, auditor. To kya hoga? Ab is provision ko kyun laya gaya? To enable them to get the opportunity of being heard ki wo bhi apna view speak out kar sake. That is the logical reasoning behind this amendment. उसके बाद सेक्शन 140 में अमेंडमेंट है. सेक्शन 140 के अंदर आप याद रखें, सेक्शन था रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में. सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 कहता था कि ऑडिटर जब भी रिजाइन करेगा अपने रेजिग्नेशन के बारे में बोर्ड को इंटीमेट करेगा, आरओसी को इंटीमेट करेगा. एंड 140 सब सेक्शन 3 कहता था कि अगर आरओसी को इंटीमेट नहीं किया गया तो वहां पे पेनल्टी लगने वाली है 50,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक के रेंज में. अगर इंटीमेट नहीं किया गया तो पेनल्टी लगने वाली है मिनिमम 50,000 रुपीज, मैक्सिमम 5,00,000 रुपीज. अब लॉजिकल सी चीज सोचो और बताओ, भाई तुमने बोल दिया मिनिमम पेनल्टी कितनी 50,000 रुपए. मान लो यार एज ए ऑडिटर मेरी रेमुनरेशन कितनी है, एज ए ऑडिटर मान लो मेरी रेमुनरेशन है सिर्फ 10,000 रुपए माइट बी, और तुम मुझसे मिनिमम पेनल्टी कितनी लगा रहे हो, 50,000 रुपए लगा रहे हो. तो इन्होंने यहाँ पे मिनिमम अमेंडमेंट के फाइन को चेंज किया. मिनिमम फाइन को इन्होंने 50,000 रुपीज और ऑडिट फीस विच एवरेज लोअर कर दिया. 50,000 रुपीज और ऑडिट फीस विच एवरेज लोअर. एंड मैक्सिमम फाइन आज भी 5,00,000 रुपए है. तो सेक्शन 140 के पेनल्टी को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका. उसके बाद एक छोटा सा अमेंडमेंट है सेक्शन 141 के अंदर. इनफैक्ट सेक्शन 141 के अंदर दो अमेंडमेंट्स हैं. क्या अमेंडमेंट्स हैं? सबसे पहले सेक्शन 141 क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में था. याद करें सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, जिसके अंदर काफी सारे ग्राउंड्स थे डिस्क्वालिफिकेशन के. उन ग्राउंड्स में एक ग्राउंड था सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज जी, जहां कहा गया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम 20 स्टैचुरी ऑडिट्स कर सकता है. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम 20 स्टैचुरी ऑडिट्स कर सकता है. सीलिंग लिमिट इंपोज की गई थी हमारे क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए. और फिर क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि जब आप इन 20 कंपनीज को काउंट नहीं, जब आप इन 20 कंपनीज को काउंट करोगे, तो याद करें वहां कुछ एग्जम्पशन था. क्या एग्जम्पशन था? कि जब आप इन 20 कंपनीज को काउंट करोगे तो इसमें आप 1% कंपनीज को काउंट मत करना, इसमें आप स्मॉल कंपनीज को काउंट मत करना, इसमें आप डोरमेंट कंपनीज को काउंट मत करना, और इसमें आप उन प्राइवेट कंपनीज को काउंट मत करना जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से कम है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से कम है. याद है आपको कि नॉर्मली स्टैचुरी ऑडिटर के लिए सीलिंग लिमिट 20 कंपनीज है, बट 20 की सीलिंग लिमिट काउंट करते वक्त आप ओपीसीज काउंट मत करना, स्मॉल कंपनीज काउंट मत करना, डोमेंट कंपनीज काउंट मत करना, और उन प्राइवेट कंपनीज को काउंट मत करना जहां पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से कम है. अब यहां पे इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन आई विल से रेज कर दिया है कि प्राइवेट कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनीज सीलिंग से माइनस नहीं होंगी, प्राइवेट कंपनीज इन सीलिंग से माइनस नहीं होंगी. प्राइवेट कंपनीज 20 की सीलिंग में इंक्लूड हो जाएगा अगर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है इन द फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स टू द आरओसी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सा सेक्शन के अंदर फाइल करना होता है? सेक्शन 137 के अंदर फाइल करना होता है. सेक्शन 137 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जहां कहा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करना होता है विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम. और एनुअल रिटर्न्स कौन सा सेक्शन के अंदर फाइल करना होता है? सेक्शन 92 के अंदर फाइल करना होता है जहां कहा गया है कि एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा आरओसी को विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम. तो अगर प्राइवेट कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न्स टू द आरओसी, तो उनको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. मतलब वो यहां पे 20 के सीलिंग में काउंट हो जाएंगी और इन एक्सक्लूशन से वो बाहर हो जाएंगी, वो ऑडिटर के सीलिंग लिमिट में इंक्लूड हो जाएगा. लॉजिक बिंग कि उस प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी एक डिफॉल्टर कंपनी है, वहां फ्रॉड के चांसेस हैं, तो वहां पे आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए वो सीलिंग लिमिट में इंक्लूड हो जाएगा. उसके बाद सेक्शन 141 के अंदर अगला चेंज है सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज आई. सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज आई. अब देखना क्लॉज क्या कहता है. आपको याद करें आप, अगर क्लॉज था कि अगर कोई भी कंपनी
या फिर कोई भी कंपनी क्या करती है, 144 सर्विस प्रोवाइड करती है, सब्सिडरी एसोसिएट 144 सर्विस प्रोवाइड करती है, तो डिस्क्वालिफिकेशन है। अब वो जो लैंग्वेज था ना, बहुत ही एम्बिगस लैंग्वेज था यार, कंपनी 144 सर्विस प्रोवाइड कर रही है यार, सब्सिडरी 144 सर्विस प्रोवाइड कर रही है यार, एसोसिएट 144 सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो थोड़ा सा एम्बिगस लैंग्वेज था, बहुत ही ज्यादा फनी लैंग्वेज था कि भाई मैं एज ए ऑडिटर क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अपना इंडिविजुअल खोल सकता हूँ या मैं अपना फर्म खोल सकता हूँ, मैं कंपनी तो खोल ही नहीं सकता, एसोसिएट सब्सिडी जैसे तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन वहां पे जो लैंग्वेज था वो बहुत ही गलत यूज हो रखा था। अब उस लैंग्वेज को लॉ मेकर ने सही कर दिया है और बहुत ही सिंपल टर्म्स में कह दिया है कि एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन 144 टू द कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडी। 144 क्या है सर? What is 144? 144 prohibited services है। याद करें, हमने क्लास में याद करने के लिए फॉर्मूला बनाया था AIDS, कि AIDS prohibited है भाई, AIDS prohibited है, AIDS अच्छी चीज नहीं होती। 144 services AIDS prohibited है, याद करें। Accountancy, actuarial, internal audit, investment advisory, design implementation of financial information system and various types of services. तो वो सारी services prohibited हैं। Any person who directly or indirectly renders any service to the company holding subsidy. अब wording क्या use कर रहा है सर इन्होंने, company holding subsidy, यानी अगर आप associate को service provide करोगे, अगर आप joint venture को service provide करोगे, तो वो prohibited list में नहीं आएगा। Prohibition में क्या आएगा? Company को service provide करी या holding को provide करी या subsidy को provide करी। अगला अमेंडमेंट है सेक्शन 143 का। अब सेक्शन 143 के अंदर अगेन दो अमेंडमेंट्स हमारे पास। सबसेक्शन 1, सबसे पहले सबसेक्शन 1 याद करें। 143 के अंदर सबसेक्शन 1 क्या था? राइट ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड राइट ऑफ द ऑडिटर टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ द सब्सिडरी। अब 143 सबसेक्शन 1 में कहा गया था कि ऑडिटर के पास राइट है टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ द सब्सिडरी। तब यार एक डिस्प्यूट आ गया वहां पे। डिस्प्यूट क्या आ गया? कुछ लोग पंगा करने लगे। क्या पंगा करने लगे? कि भाई कहा, क्या कहा है वहां पे? ऑडिटर हैज द राइट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ द सब्सिडरी, यानी तेरे पास एसोसिएट का रिकॉर्ड एक्सेस करने का राइट नहीं है भाई, तेरे पास एसोसिएट का रिकॉर्ड एक्सेस करने का राइट नहीं है। अब लॉजिकल से चीज सोचो, जब तुम सेक्शन 129 पढ़ते हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब तुम सेक्शन 129 पढ़ते हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सेक्शन के अंदर क्या कहा गया? व्हाट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द सेक्शन? कि किसी भी कंपनी का एक भी सबसी CFS बनाओ, और वहां सबसी के पर्पस के लिए क्या इंक्लूड किया? एसोसिएट भी इंक्लूड किया है और जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड किया है। यानी अगर कंपनी का एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, तब भी CFS बनाओ, और कंसोलिडेशन अपने को चेक करना है, कंसोलिडेशन का कंप्लायंस चेक करना है। तो लॉजिकली जब कंसोलिडेशन करते वक्त आप एसोसिएट को इंक्लूड कर रहे हो, तो हाउ कैन यू डिबेट द ऑडिटर फ्रॉम एक्सेसिंग द बुक्स ऑफ द एसोसिएट कंपनी? तो वो एक क्लैरिफिकेशन की कमी थी वहां पे। अब लॉ मेकर ने इंसर्ट कर दिया है कि भाई 143 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑडिटर के पास सब्सिडरीज के साथ साथ एसोसिएट्स के बुक्स को भी चेक करने का राइट रहेगा। उसके बाद जो अगला चेंज है 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, ये चेंज बेसिकली मई 18 में ही आ गया था। दैट इज रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। याद करें 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आए दैट द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट वेदर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज इफेक्टिव। इस क्लॉज का ऑब्जेक्टिव क्या था लाने के पीछे? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस क्लॉज? कि अल्टीमेटली जब हम कंट्रोल्स की बात करें, तो कंट्रोल्स चेक करना ऑडिटर के लिए एक मेजर क्राइटेरिया है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑडिटर कंट्रोल्स की चेकिंग करता है, उसके बाद ही अपना सब्सटेंसिव प्रोसीजर डिटरमाइन करता है। मगर स्टैंडर्ड्स के अंदर कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी की रिपोर्टिंग सिर्फ TCWG को होती है। याद करो ऐसे 265 कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी की रिपोर्टिंग सिर्फ TCWG को होती है। मेंबर्स को रिपोर्ट करने की कहीं कोई बात नहीं की गई। दैट इज वाई कंपनीज एक्ट के अंदर इस क्लॉज को इंसर्ट किया गया कि भाई ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होगा कि वेदर द कंट्रोल्स रिलेटिंग टू फाइनेंस, द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। बट ये जो रिपोर्टिंग है ये सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां से कुछ एक्सक्लूशन क्रिएट किया उन्होंने। क्या एक्सक्लूशन क्रिएट किया? कहा गया कि ये जो रिपोर्टिंग होगी 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई की, ये एप्लीकेबल नहीं होगी 1% कंपनीज के केस में, ओपीसीज के केस में, ओपीसीज के केस में, स्मॉल कंपनीज के केस में, राइट? 1% कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। देखना यहां पर थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली सही कर लेना इस चीज को। 1% कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, स्मॉल कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड प्राइवेट कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइवेट कंपनीज के केस में खाली लिमिट है यहां पे। कौन सी प्राइवेट कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं होगा? जिनका टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ एंड
aggregate of borrowings. किसका बोरिंग्स का एग्रीगेट देखेंगे? बैंक का देखेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देखेंगे और बॉडी कॉर्पोरेट का देखेंगे. बैंक का देखेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देखेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट का देखेंगे. लेस देन 25 करोड़. तो जो रिपोर्टिंग ऑन आईएफसी है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? ओपीसीज में एप्लीकेबल नहीं होगा, स्मॉल कंपनीज में नहीं होगा, प्राइवेट कंपनीज में नहीं होगा जिनका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है. एग्रीगेट ऑफ बोरिंग्स ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉडी कॉर्पोरेट लेस देन 25 करोड़ है, इनके ऊपर आईएफसी की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं होगी. अच्छा, एक अमेंडमेंट उन्होंने आरटीपी में और दिया है बट प्रैक्टिकली वो रेलिवेंट नहीं है. दैट इज रिपोर्टिंग ऑन स्पेसिफाइड बैंक नोट्स अंडर 143 सबसेक्शन 3. 143 सबसेक्शन 3 रूल 11 याद करो, 3 एडिशनल मैटर्स टू बी रिपोर्टेड. हम हमेशा याद करते हैं दीपिका पादुकोण, डीपी, डिले इन ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, पेंडिंग लिटिगेशन प्रोविजन फॉर लॉसेस. वहां एक एडिशनल पॉइंट आया था रिपोर्टिंग ऑन स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, दैट इज डीमोनेटाइजेशन का जो समय था. डीमोनेटाइजेशन के समय में, पीरियड में, जो भी 500 के नोट्स मिले, जो भी 1000 का नोट्स प्रोहिबिटेड था, उसकी जो कलेक्शन हुई, कितना बैलेंस था, उसके बारे में रिपोर्ट करना. बट वो रिपोर्टिंग ना सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए एप्लीकेबल था. आज की तारीख में अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 17 ऑनवर्ड्स की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल ही नहीं है. तो ऑल्दो उन्होंने आरटीपी में ये अमेंडमेंट दिया है बट इसका प्रैक्टिकली हमारे लिए कोई रेलिवेंस नहीं है. इट हैज जीरो रेलिवेंस. तो आप इसे काट सकते हो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आरटीपी में दिया है, मैंने अपने अमेंडमेंट शीट में इंक्लूड कर दिया. कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के डेफिनेशन को उन्होंने अमेंड किया है. व्हाट दे हैव डन इज दैट कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन को उन्होंने चेंज किया और कहा कि कॉस्ट अकाउंटेंट का जो डेफिनेशन होगा ना, उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इंक्लूड होगा. अब इस डेफिनेशन का क्या इंपैक्ट है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो सीए का डेफिनेशन दिया हुआ है, सीए के डेफिनेशन में कहा हुआ है सीए इंक्लूड्स अ सीए इन प्रैक्टिस. मतलब सीए मींस अ सीए इन प्रैक्टिस, मतलब एक ऐसा बंदा जो सीए इन प्रैक्टिस है वही सारे कंपनीज एक्ट के काम करेगा, जो सीए इन प्रैक्टिस नहीं है वो कंपनीज एक्ट के काम नहीं करेगा. लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, उसके डेफिनेशन में कहा गया था भाई कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या ना हो. तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया भाई यहां भी हम कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में है वो सारे एक्ट के काम करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे. अब देखना 143 सबसेक्शन 14 में एक चेंज आया. क्या चेंज आया? रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड. 143 सबसेक्शन 12 क्या है? रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड टू द सीजी. जहां ऑडिटर को क्या करना होता है? फ्रॉड के बारे में सीजी को रिपोर्ट करना होता है और अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया तो पेनल्टी लगती है, 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगती है. वहां पे एक प्रोविजन था कि जो प्रोविजंस ऑफ रिपोर्टिंग है ये कॉस्ट ऑडिटर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है. अब वहां एक क्लैरिफिकेशन आया. पहले था कि ये जो प्रोविजन, ये पहले क्या था कि ये जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड वाला पार्ट, ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के ऊपर एप्लीकेबल है. अब उन्होंने उसको कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस करके खाली कॉस्ट अकाउंटेंट वर्ड यूज किया, खाली कॉस्ट अकाउंटेंट वर्ड यूज किया कि रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड इज एप्लीकेबल टू द कॉस्ट अकाउंटेंट्स. बट प्रैक्टिकली कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन को ही अमेंड कर दिया और बोला कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब कौन जो प्रैक्टिस में है. तो प्रैक्टिकली इस डेफिनेशन का कोई रेलिवेंस ही नहीं है. अगला अमेंडमेंट आई विल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अमेंडमेंट इन सेक्शन 147, दैट इज पेनल्टी फॉर ऑडिटर्स. कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 147 में पेनल्टी दी गई है ऑडिटर्स के लिए फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फोर सेक्शंस, सेक्शन 139, 143, 144, 145. चार सेक्शंस के लिए पेनल्टी डिफाइंड है. पहले क्या था, जो मिनिमम फाइन और मैक्सिमम फाइन का स्लैब था, पहले इन्होंने मैक्सिमम फाइन को ना ऑडिटर के रेमुनरेशन से कंपेयर नहीं किया था, विच वॉज स्लाइट इलॉजिकल. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने एक जगह मैक्सिमम फाइन लगा दी 25 लाख रुपए और बेचारे ऑडिटर की रेमुनरेशन ही 10,000 रुपए है, भाई वो तो बर्बाद हो जाएगा भाई. उसकी मैक्सिमम, उसकी रेमुनरेशन 10,000 रुपए है और तुम उससे मैक्सिमम फाइन 25 लाख रुपए ले रहे हो. इट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेमुनरेशन. तो दैट इज वाई सम अमेंडमेंट्स हैव कम. क्या अमेंडमेंट है? सबसे पहले, नॉर्मली अगर ऑडिटर कॉन्ट्रावीन करेगा प्रोविजंस को 139 के, 143 के, 144 के, 145 के, 139 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, रोटेशन, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट. 143 क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. 144 क्या है? प्रोहिबिटेड सर्विसेज. 145 क्या है? साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. तो ऑडिटर अगर इन प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करेगा तो मिनिमम पेनल्टी लगने वाली है 25 लाख रुपए एंड मैक्सिमम पेनल्टी लगेगा, राइट? तो यहां पे देखना बहुत ज्यादा लॉजिकल है. हमने बोला मिनिमम फाइन 25,000 रुपए, मैक्सिमम फाइन 5 लाख रुपए और 5 लाख को इक्वेट कर दिया रेमुनरेशन के साथ. 5 लाख रुपीज और 4 times the remuneration of auditor, which ever is less. तो मैक्सिमम फाइन कितनी लग सकती है? 5 लाख रुपए या फिर 4 times of remuneration, which ever is less.
तो मिनिमम फाइन कितनी है 25,000 रुपए, मैक्सिमम फाइन कितनी है 5,00,000 रुपए और 4 times द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस। अगला सिचुएशन, जान मुझके ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया भाई, जान मुझके ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया, विलफुली कॉन्ट्रावेंशन किया, जान मुझके डिफॉल्ट किया, यहां पेनल्टी कितनी लग जाएगी, जान मुझके कॉन्ट्रावेंशन किया, तो यहां पे भाई मिनिमम फाइन हो जाएगा 1,00,000 रुपीज, मैक्सिमम फाइन 5,00,000 के बदले 25,00,000 रुपए या फिर और 4 times के बदले 8 times द रेमुनरेशन विच एवर इज लेस। तो मिनिमम फाइन 1,00,000 रुपए, मैक्सिमम फाइन 25,00,000 रुपए और 8 times ऑफ द रेमुनरेशन विच एवर इज लेस, एंड मतलब फाइन तो ले लिया भाई, जेल भी भेजोगे साथ में, दोनों का दोनों मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 1 year, साल भर की जेल भी हो सकती है। तो मिनिमम फाइन 1,00,000 रुपीज, मैक्सिमम फाइन 25,00,000 रुपीज और 8 times द रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस, एंड मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट कितनी है सर, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट कितनी है, 1 year की मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है। क्लियर है? तो ये अमेंडमेंट हमारा सेक्शन 147 के अंदर। अगेन सेक्शन 148 के अंदर व्हाट दे हैव डन इज, जहां भी कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस लिखा था उसे कॉस्ट अकाउंटेंट कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंट के डेफिनेशन में उन्होंने क्या कह दिया, कॉस्ट अकाउंटेंट का डेफिनेशन मतलब जो वो कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस का काम करता है। एक और छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, AS 17 जो कि आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो उन कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं होगा जो डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। तो AS 17 जो आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो उन कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं होगा जो आपके डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। क्लियर है? अब देखना NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के जो अमेंडमेंट्स दिए हैं, ये पहले ही आ चुके हैं, नोट्स में भी इंक्लूडेड है। इसमें बेसिक अमेंडमेंट क्या था कि पहले NBFC डायरेक्शन 1988 थे, अब उन्होंने वो NBFC डायरेक्शंस 2016 कर दिया था, NBFC डायरेक्शंस 2016 कर दिया था। तो बेसिक अमेंडमेंट यही था कि उन्होंने क्या किया था, NBFC डायरेक्शन 2016 कर दिया था। बाकी ये जो अमेंडमेंट है पुराना अमेंडमेंट है, एज सच नया अमेंडमेंट नहीं है, और अमेंडमेंट शीट में अवेलेबल है। मैंने May 18 से सारी अमेंडमेंट्स, इनफैक्ट May 18 से पहले की भी अमेंडमेंट्स इस 16 pages के अमेंडमेंट शीट में डाल दी है। अगला अमेंडमेंट जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा मैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लैरिफिकेशंस की जरूरत भी है, ऑडिट ऑफ फिस्कल लॉस के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहला चेंज, सेक्शन 48(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। याद करें पहले कैश पेमेंट की लिमिट हुआ करती थी पर डे 20,000 रुपए, कैश पेमेंट की लिमिट हुआ करती थी पर डे 20,000 रुपए, कि 20,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट अगर होगा तो वो डिसअलाउड होगा। अगर 20,000 से ज्यादा का पेमेंट होगा तो वो हमेशा अकाउंट पे ही चेक या डिमांड ड्राफ्ट से होना चाहिए। फिर इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने रिवीजन किया, रिवाइज किया, उसे 10,000 रुपए ले आए वो, और उसी का करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट अपने को ऑडिट में देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैश पेमेंट एट ए टाइम ₹10,000, एनी एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव 10,000 शुड बी मेड बाय ओनली बाय वे ऑफ अकाउंट पे ही चेक और डिमांड ड्राफ्ट। टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के अंदर कुछ चीजें ध्यान रखने की है। अगर हम बात करें Applicability of tax audit, that is section 44AB of Income Tax Act 1961. तो profession के केस में अगर अपना gross receipt 50,00,000 रुपए exceed करे previous year में, या business के केस में 1 crore exceed करे, profession के केस में अगर अपना gross receipt 50,00,000 रुपए exceed करे previous year में, या business के केस में 1 crore exceed करे, tax audit applicable हो जाएगा। या जो भी अगर से प्रिजम्प्टिव बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, प्रिजम्प्टिव बिजनेस, याद करो प्रिजम्प्टिव बिजनेस का क्या क्या सेक्शन था, 44AE, 44BB, 44BBB, 44AD। तो प्रिजम्प्टिव इनकम कैरी आउट कर रहे हो तो प्रिजम्प्टिव इनकम में क्या होता है कि एक परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है कि भाई टोटल इतना परसेंटेज हम तुम्हारा इनकम मान लेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट। तो प्रिजम्प्टिव इनकम अगर आप चूज कर रहे हो और उसके बाद भी आप लोअर इनकम दिखा रहे हो, आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। अब यहां पे सेक्शन 44AD बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। सेक्शन 44AD प्रिजम्प्टिव इनकम का सेक्शन है जो एसएससी को चॉइस देता है। सेक्शन 44AD प्रिजम्प्टिव इनकम का सेक्शन है जो एसएससी को चॉइस देता है कि आप एक काम करो, कोई बुक्स मेंटेन मत करो, आप कोई बुक्स मेंटेन मत करो, आप तो क्या करो टोटल टर्नओवर का 8% इनकम डिक्लेयर कर दो। आप कोई बुक्स मेंटेन मत करो भाई, आप तो टोटल टर्नओवर का 8% इनकम डिक्लेयर कर दो, इनकम प्रिज्यूम कर लेंगे। और ये 44AD का बेनिफिट एप्लीकेबल है, एसएससी अवेल कर सकता है अगर उसकी टर्नओवर 2 crore से कम है, उसकी टर्नओवर अगर 2 crore से कम है। अब देखना यहाँ पे एक डिस्प्यूट है, क्या डिस्प्यूट है, या फिर एक कह सकते हैं कन्फ्यूजन है कि भाई अभी हमने डिस्कस किया कि अगर मेरा टर्नओवर 1 crore से ज्यादा है मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, किया ना अभी
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, मैं 44AD ऑप्ट कर सकता हूँ, और अगर 44AD मैंने ऑप्ट कर लिया तो मुझे बुक्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को ऑडिट करवानी नहीं है, मैं तो 8% रेट डिक्लेयर कर दूंगा सीधा सीधी। सो इन दैट सिचुएशन, अब एक पैकुलर सिचुएशन बनेगा। क्या सिचुएशन बनेगा कि मान लीजिए SSC का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है मगर 2 करोड़ से कम है, और SSC ने 44AD चूज कर लिया है। SSC का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से कम है, और SSC ने 44AD चूज कर लिया है, तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 44AD चूज कर लिया है, टैक्स ऑडिट उसके ऊपर एप्लीकेबल है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसने 44AD चूज कर लिया है, टैक्स ऑडिट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सॉरी, तो यहां पे हमने क्या बोला भाई, हमने बोला कि 1 करोड़ से ज्यादा की लिमिट है तुम्हारी, 2 करोड़ से कम है, तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 1 करोड़ से ज्यादा की लिमिट है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है अगर तुमने 44AD चूज कर लिया है। और अगर आपने पेमेंट डिजिटली ली है तो अपन 8% का जगह 6% लेंगे। और 44AD किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? 44AD प्रोफेशनल्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, यानी मैं प्रोफेशनल हूँ, CA प्रैक्टिस हूँ, मेरे पास 44AD का ऑप्शन नहीं है। कमीशन एजेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, कंपनी असिस्टेंट्स के पास अवेलेबल नहीं होता। तो 44AD का ऑप्शन जो है प्रोफेशनल्स के पास अवेलेबल नहीं होता, कमीशन एजेंट्स के पास अवेलेबल नहीं होता, कंपनी असिस्टेंट्स के पास अवेलेबल नहीं होता। यहाँ कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं मैंने 44AD के, ये सारे इलस्ट्रेशंस जो हैं स्टडी मटेरियल के हैं, ये सारे इलस्ट्रेशन स्टडी मटेरियल के हैं, न्यू सिलेबस स्टडी मटेरियल के। गो थ्रू इट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है, एज इट इज क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। उसके बाद क्लॉज 31 ऑफ फॉर्म 3CD में कुछ एडिशन है, रेदर आई विल से ये अमेंडमेंट में 18 का ही है। क्लॉज 31 कैश लोन्स के बारे में था, इफ यू रिमेंबर, कि अगर आप किसी भी SSC से लोन लेते हो, आप 20,000 से ज्यादा का कैश लोन नहीं ले सकते। सेक्शन 269 डबल एस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप 20,000 से ज्यादा का लोन लेते हो, इट हैज टू बी बाय अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो ऑडिटर को फॉर्म 3CD में क्लॉज 31 के अंदर प्रॉपरली रिपोर्ट करना होगा कि किस बंदे से लोन लिया गया है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, कितना लोन लिया गया है, क्या लोन को स्क्वायर ऑफ किया गया था, क्या कितना मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग लोन था, लोन एक्सेप्ट कैसे किया गया था, ये सारी चीजें रिपोर्ट करनी होगी। तो बेसिकली एक एडिशनल रिपोर्टिंग है। उसके बाद ऑडिट अंडर GST, अगेन ये अमेंडमेंट भी पुराना है, मेट इन एग्जाम्स के लिए है। ऑडिट अंडर GST के लिए एक अलग से 20 मिनट का वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो अगर आपको देखना हो तो आप ऑडिट अंडर GST के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो सेपरेटली अवेलेबल है 20 मिनट्स का, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑडिट ऑफ PSUs, ऑडिट ऑफ PSUs में एक नया इंसर्शन आया था। क्या इंसर्शन आया था? वैसे तो लास्ट टाइम का अमेंडमेंट है, बट वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में एक नया इंसर्शन आया था। क्या इंसर्शन आया था? उन्होंने इंसर्ट किया व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ PSU ऑडिट, जिसमें उन्होंने कहा कि तीन तो पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं PSU ऑडिट में, दैट इज वन इज द ऑडिटर, वन इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, वन इज द इंटेंडेड यूजर। उसके बाद वी हैव सब्जेक्ट मैटर, वी हैव क्राइटेरिया, वी हैव सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, एंड थर्डली वी हैव टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, वन इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट, वन इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। क्या मतलब है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से मार्क करके रखिएगा, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ PSU ऑडिट। तो यहां पे हमने बोला भाई एक तो पार्टीज इन्वॉल्व्ड, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ PSU ऑडिट के अंदर एक तो हमने बोला पार्टीज इन्वॉल्व्ड, एक हमने बोला सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, एक हमने बोला सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। और एक हमने बोला टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, तो तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, ऑडिटर यानी जो ऑडिट करेगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी कि मैनेजमेंट की बात हो रही है जिसका ऑडिट होने वाला है, एंड इंटेंडेड यूजर की ऑडिट किसके लिए होगा, दैट इज द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। उसके बाद वी हैव सब्जेक्ट मैटर, वी हैव द क्राइटेरिया, वी हैव द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर मतलब वो इन्फॉर्मेशन जिसका ऑडिट होना है, सब्जेक्ट मैटर मतलब वो इन्फॉर्मेशन जिसको इवैल्यूएट करना है, क्राइटेरिया मतलब एक बेंचमार्क की भाई उस इन्फॉर्मेशन को अपने को कौन से बेंचमार्क के तहत इवैल्यूएट करना है,
एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन मतलब इवैल्यूएटेड डाटा, जो हमने सब इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर लिया तो वो इवैल्यूएटेड इन्फॉर्मेशन को सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन कहते हैं. एंड देन वी हैव टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, वन इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट, वन इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. आप नॉर्मली सोच के देखो, अटेस्टेशन एंगेजमेंट में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाता है और ऑडिटर ऑडिट करता है, ऐसा ही होता है ना. सिमिलरली पीएससी ऑडिट में भी अटेस्टेशन एंगेजमेंट में क्या होगा कि सब्जेक्ट मैटर को मेजर करने का काम रिस्पॉन्सिबल पार्टी का होगा, सब्जेक्ट मैटर को डिटरमाइन करने का काम रिस्पॉन्सिबल पार्टी का होगा. ऑडिटर का काम होगा सिर्फ और सिर्फ एविडेंस लेना और रिपोर्ट करना. जबकि डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में ऑडिटर का ही काम होगा कि सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करे, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन तैयार करे और फिर रिपोर्टिंग भी ऑडिटर का ही काम होगा. तो अटेस्टेशन एंगेजमेंट में सब्जेक्ट मैटर को मेजर करना क्राइटेरिया के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम होगा, ऑडिटर को तो सिर्फ ओपिनियन एक्सप्रेस करना है. जबकि डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में सारा काम ऑडिटर का ही होना है. तो ये एक नया चेंज था पीएसयू ऑडिट के अंदर. एक नया क्वेश्चन और भी इंसर्ट हुआ था, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट. बहुत ही सिंपल है, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस. नॉर्मल ऑडिट में ऐसे 200 में दिया गया है, यहाँ भी एप्लीकेबल है. प्रोफेशनल जजमेंट अगेन ऐसे 200 में कहा गया है, पीएसयू ऑडिट में भी एप्लीकेबल है. क्वालिटी कंट्रोल अगेन ऐसे 220 है हमारे पास, पीएसयू ऑडिट के लिए भी एप्लीकेबल है. ऑडिट टीम अच्छी होनी चाहिए. ऑडिट रिस्क, मैटरलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इतना ही लिखना है, इसे एक्सप्लेन भी नहीं करना. इंस्टीट्यूट ने भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा तो हमें भी एक्सप्लेन तक नहीं करना, हमें तो सिर्फ हेडिंग्स लिख के आने हैं क्वेश्चन में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी इतना ही दिया. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट टीम मैनेजमेंट स्किल्स, ऑडिट रिस्क, मैटरलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द ऑडिट प्रोसेस इन पीएसयू. आप सबसे पहले ऑडिट को प्लान करोगे, फिर ऑडिट करोगे, फिर रिपोर्ट करोगे. प्लान करते वक्त क्या करोगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग लोगे, एंटिटी को अंडरस्टैंड करोगे, प्रॉपर प्लानिंग करोगे, उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, एविडेंसेस लोगे, रिपोर्ट करोगे. कुछ नया नहीं है, नॉर्मल ऑडिट प्रोसेस है. कुछ नया नहीं है, नॉर्मल ऑडिट प्रोसेस है. कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है. कंप्लायंस ऑडिट के अंदर दो चीजें आती हैं, आर प्लस पी. आर प्लस पी, आर प्लस पी मतलब एक तो रेगुलरिटी ऑडिट. रेगुलरिटी मतलब नॉर्मल ऑडिट्स के अंदर आप लॉज का कंप्लायंस चेक करते हो, रेगुलेशंस का कंप्लायंस चेक करते हो, एग्रीमेंट्स चेक करते हो, यहां भी करना है. एंड पी मतलब एलिमेंट ऑफ प्रोप्राइटी. एलिमेंट ऑफ प्रोप्राइटी भी चेक करना है, एलिमेंट ऑफ प्रोप्राइटी भी चेक करना है. साउंड डिसीजन मेकिंग चेक करनी है. तो कंप्लायंस ऑडिट के अंदर आप किस चीज से कंसर्न हो, आप आर प्लस पी से कंसर्न हो, रेगुलरिटी प्लस प्रोप्राइटी. रेगुलरिटी मतलब आपको नॉर्मली लॉस का कंप्लायंस चेक करना है, रेगुलेशंस का कंप्लायंस चेक करना है, एग्रीमेंट्स का कंप्लायंस चेक करना है. प्रोप्राइटी मतलब साउंड डिसीजन मेकिंग, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चीजें चेक करनी है. अब कंप्लायंस ऑडिट क्या है भाई, कंप्लायंस ऑडिट अलग अलग तरीकों से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराया, साथ में हमने कंप्लायंस ऑडिट भी करा लिया. या फिर हमने सिर्फ कंप्लायंस ऑडिट करा लिया, या फिर हमने परफॉर्मेंस ऑडिट प्लस कंप्लायंस ऑडिट करा लिया. तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से कंप्लायंस ऑडिट यहां पे हो सकता है. अब परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा. ये अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, ये तो वही पुराना वाला पार्ट है. तो कंप्लायंस ऑडिट में हमने क्या देखा, आर प्लस पी, रेगुलरिटी एंड प्रोप्राइटी. रेगुलरिटी में हमने देखा लॉज, रेगुलेशन, एग्रीमेंट. प्रोप्राइटी में हमने देखा साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड फाइनेंशियल ऑडिट के साथ भी कंप्लायंस ऑडिट हो सकता है, या अलग से भी कंप्लायंस ऑडिट हो सकता है, या परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ भी कंप्लायंस ऑडिट हो सकता है. परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ भी कंप्लायंस ऑडिट हो सकता है. एंड देयर आफ्टर वी हैव गॉट द अमेंडमेंट्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स. तो अगेन कोड ऑफ एथिक्स के लिए अलग से डेडिकेटेड अमेंडमेंट वीडियो में 18 के लिए मैंने अवेलेबल कराया था. 10 मिनट में सारे ईएसबी जजमेंट्स कराए हुए हैं. उसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल के अंदर, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ टैक्स ऑडिट एंड कोड ऑफ एथिक्स. वहां कोड ऑफ एथिक्स के जजमेंट्स हमने दोबारा से डिस्कस करे हैं, राइट. इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ टैक्स ऑडिट के अंदर ये जो अमेंडमेंट्स मैंने आज डिस्कस किया, ये उस वक्त भी डिस्कस की हुई है. क्लियर है? तो बस इतने ही अमेंडमेंट्स हैं जो नवंबर 18 के लिए एप्लीकेबल है. तो अमेंडमेंट्स के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाई तौर पर मचाने की जरूरत नहीं है. बहुत लिमिटेड अमेंडमेंट्स हैं, आपको कुछ और फॉलो नहीं करना. आप तो बस इन 16 पेजेस के शीट को फॉलो करो और कोई भी अमेंडमेंट इसके बाहर का नहीं है. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो फॉर एग्जाम्स. ऑडिट के पर्पज के लिए यही सारे अमेंडमेंट्स हैं जो आपके लिए रिलेवेंट हैं.
राइट एक नफरा का जो अमेंडमेंट है लॉ के लिए एप्लीकेबल है सेक्शन 132 के अंदर, उसमें आप एक पॉइंट ऑडिट के पर्पस के लिए जरूर ध्यान रखना जो आपको मेरे लॉ के अमेंडमेंट शीट में मिलेगा, दैट इज नफरा क्या पेनल्टी लगा सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर, नफरा क्या पेनल्टी लगा सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर। क्लियर है? तो इतनी सारी चीज आपको क्या करनी है ऑडिट के अमेंडमेंट के अंदर याद रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि भाई कम टाइम में आप अमेंडमेंट्स कर पाए हो और आपको समझ आ गया है अमेंडमेंट्स में क्या चीजें कवर्ड है क्या चीजें कवर्ड नहीं है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने अच्छे कमेंट जरूर दें, बिकॉज आप जब वीडियो को लाइक करते हो, आप जब वीडियो में अच्छे कमेंट्स डालते हो, वो हमें एंकरेज करता है टू मेक सच वीडियोज फॉर यू ऑल, कि और मेहनत करें, आपके लिए और अच्छा काम करें, ऐसे और वीडियोस बनाएं। टेलीग्राम चैनल पे आप एसोसिएटेड रहो साथ में, टेलीग्राम चैनल पे वी आर जस्ट लाइक ए फैमिली टुगेदर, जहाँ पे एक फैमिली की तरह हम लोग डे बाय डे बेसिस में गाइडेंस, टिप्स, रिसोर्सेज, रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। क्लियर है? तो टेलीग्राम चैनल अगेन आप क्या कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो एंड उसी ग्रुप के अंदर आपको ये अमेंडमेंट नोट्स भी मिल जाएगा, यू विल आल्सो बी गेटिंग द अमेंडमेंट नोट्स अलोंग विद दैट। अगेन आपके एग्जाम्स बिल्कुल पास हैं, एकदम बिल्कुल पास हैं, तो बस अब तो वो जो लास्ट मोमेंट का भाई जो एक धक्का लगाना है, लास्ट मोमेंट पर जो धक्का लगाना है अब तो लगा दो बस, अब तो जो करना करे कर दो बस अब तो। लेकिन क्या करना है भाई, अपने को जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें अपना बेस्ट देना है, अपना 200% देना है और मेक श्योर करना है कि भाई ये जो आने वाला एग्जाम है नवंबर 18 का, इसमें अपने को सीए बनना ही है, इसमें अपने को ग्रुप क्लियर करना ही है और इसमें जो भी सपोर्ट मेरी तरफ से बन सकेगा, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से। राइट मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर That is 78380-611-93 आप कुछ भी हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। 100% तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं रिप्लाई करूंगा, बट कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखूंगा कि जितना हो सके उतना रिप्लाई करूं आपके मैसेजेस का। सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट गाइज, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, राइट एंड अपने एग्जाम्स क्लियर करने के बाद मैसेजेस जरूर करना, कॉल जरूर करना। सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।